आज के वीडियो में बात करेंगे चाइनीज जेंडर कैलेंडर के बारे में। ये कैलेंडर से आप दो चीज़ पता कर सकते हैं, ऐसा इस कैलेंडर में बताया गया है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, ये पता चल सकता है इस कैलेंडर के माध्यम से। और दूसरा ये है कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में देख के आप किस मंथ प्रेग्नेंट होंगे, यानी आप चूज़ कर सकते हैं कि इस मंथ में प्रेगनेंसी होगी तो मुझे लड़का होगा, या इस मंथ अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इस महीने लड़की हो सकती है, तो महिलाएं ये चूज कर सकती हैं, ऐसा इस साइट का बताया गया है। और ऐसे बहुत से ऐप भी बन गए हैं। चाइनीज कैलेंडर एक चाइना में बना था, आज से 700 साल पुराना एक कैलेंडर बना था, और किसी राजा ने बनवाया था कि वो बेबी बॉय चाहते थे कि उनको एक लड़का ही हो, और इसके लिए उन्होंने जो भी अध्ययन करवाया और उसे कैलेंडर तैयार करवाया, और उस कैलेंडर से ये पता करने के लिए कि भाई मैं कब प्रेग्नेंट हो मेरी वाइफ, जिससे ये पता चल सके कि बेबी बॉय हो। तो इस कैलेंडर को आप देखेंगे तो ये इस तरह का कैलेंडर है। अब इस कैलेंडर में आप देखेंगे लूनर मंथ ऑफ कंसेप्शन, यानी जिस महीने आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जिस महीने प्रेग्नेंट हुई थी वो महिलाएँ, वो लूनर मंथ में है, और लूनर एज महिला की है यानी चंद्र आयु, और लूनर मंथ मतलब चंद्र महीना, ये दो महिला को निकालने आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। फिर भी साइंटिफिक तरीका तो नहीं कहता कि ये अलाउ है, ये एक वो ये कहती है कि एक एंटरटेनमेंट या एक मजाक है, ये कैलेंडर का एक 700 साल पुराने एक बना दिया और एक तुक्का लग गया इस वजह से ऐसा। ये कैलेंडर पर आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और मेरे काफ़ी वीडियो में कमेंट्स भी हैं कि सर चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में बताओ, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, और जो भी इसमें सच होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें लूनर मंथ और लूनर एज, अगर आप सोचती हो कि आपकी 24 साल एज है तो ठीक है, आप सोचते हो 24 साल में, और 24 साल में आप सोच रहे हैं कि इस महीने अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल में ये आप सोचते हैं कि 24 साल एज है, तो ये कौन सा साइन है, ये लड़के का साइन है, ये आप देख रहे हैं ये वाला लड़के का साइन हो गया, इसका मतलब आप अगर अप्रैल में प्रेग्नेंट होंगे तो लड़के होगा, अगर आप मई में होंगे तो लड़की होगी। या कोई महिला ये जानना चाहती है कि मैं जनवरी में प्रेग्नेंट हुई थी और 24 साल मेरी एज है, तो इसका मतलब क्या है, आपके जनवरी में प्रेग्नेंट हुए थे तो इसका मतलब लड़का है आपके पेट में, ऐसा ये साइट कहती है। पर ये आप लूनर एज और आपकी जो अपनी पश्चिमी सभ्यता है इंडिया में, वो जो कैलेंडर है वो अलग है। तो लूनर मंथ या लूनर एज निकालने के लिए इसमें यह कर दिया जाता है कि आपके ऐड कर दिया जाता है वो मंथ भी, जो 9 मंथ आप माँ के पेट में रहते हैं वो भी ऐड कर दिया जाता है, और इसमें बोला गया है कि 22 फरवरी जो 22 फरवरी है, इससे पहले का आपका जन्मदिन आता है या इसके बाद का आपका जन्मदिन आता है। अगर इसके बाद का आपका जन्मदिन आता है तो इसमें एक ऐड करना है, और या इससे 22 फरवरी से पहले आपका जन्मदिन आता है तो आपका इसमें 2 ऐड करना है। तो मतलब अगर महिला की एज 24 साल है, अगर 24 साल है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो 26, तो आपको इस लाइन में देखना है अगर आपका फरवरी से पहले बर्थडे आता है, और अगर आपकी 24 साल एज है फरवरी के बाद में बर्थडे आता है, जो मई जून जुलाई कभी भी आता हो, तो फिर अगर एक ऐड करोगे तो आपको इस लाइन में देखना है। अब हो सकता है कि आपका जो मंथ है वो अपना हम बात करें कि मई में, अब आप मई में देखेंगे अगर आपकी 26 साल एज है, मतलब 24 साल एज है, तो आपको क्या हुआ, यहाँ लड़की, अगर 25 है तो भी यहाँ लड़की आ रहा है। तो ऐसे चाइनीज कैलेंडर से पता कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। फिर भी साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, और ना मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ होता है। और आजकल तो ऐसे वेबसाइट और ऐप बन चुके हैं कि आप अपना लिखो, ये ऑटोमेटिक ही लूनर मंथ में काउंट कर लेगा और ऑटोमेटिक ही बता देगा, ऐसा ही एक साइट वाले कह रहे हैं। चलो हम रेंडमली देखते हैं कि अगर कोई महिला है जो क्या है, जनवरी मान लीजिए, कोई भी डे एक तारीख ही मैं ले लेता हूँ, ईयर भाई 2003 में, तो 2023 में तो प्रेगनेंसी अचीव करना चाहती है जो भी है, अब जब उसका जन्म हुआ था, जब उसकी एज कौन सी थी, 2001 ले लिया मैंने, अब कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल का, डेट मैं 1 अप्रैल ही ले लेता हूँ संभावना, ईयर 2023 चली रही है, और ये क्लिक करता हूँ मैं, तो ये कह दिया इट्स ए गर्ल, समझ रहे हो,
आपका ये रिजल्ट आ गया कि ये एक लड़की है। चलो फिर हम एक और चेक करते हैं। अब इस बार वही सेम रहने देता हूँ, वही जनवरी है, एक तारीख है, 2001 है, ये है ये है ये है, मैं दोबारा चेक करता हूँ। इट्स ए गर्ल, यानी कुछ डाटा है जो बता रहा है। फिर मैं ट्राई अगेन करता हूं, इस बार मैं फरवरी लिख देता हूं, वही एक तारीख कर देता हूं, चलो कोई नहीं 17 तारीख कर देता हूं, ये मैं कर देता हूं 91 कर देता हूं, कोई भी मंथ ले लेता हूं मैं, कुछ भी रेंडमली कर देता हूं। इट्स ए गर्ल, तो मतलब इसमें क्या है। और आगे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, अब आप देखेंगे कि यहां कोई ना तो मैंने मंथ लिया, ना मैंने कोई डे लिया, ना कोई ईयर लिया, कोई मंथ डे कुछ भी नहीं है। अब इस बार मैंने कोई डाटा डाला ही नहीं, तो जब मैं डाटा नहीं डालता हूं तो क्या रिजल्ट आता है। इट्स ए बॉय, जब मैंने कोई डाटा डाला ही नहीं तो इट्स ए बॉय कैसे आ गया, आप सोचने की बात है। तो आप इसमें कुछ भी डालोगे, कभी लड़का बता देगा, कभी लड़की बता देगा, इसके डाटा से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं, कोई एज नहीं डाली मैंने, कोई मंथ नहीं डाला, कोई डे नहीं डाला, कोई ईयर नहीं डाला, ऐसे कोई कंसेप्शन मंथ नहीं डाला। इट्स ए बॉय, कैसे बॉय बता सकता है, तो इसका मतलब जो ये ऐप और साइट है ये थोड़ा पागल बनाने वाली बातें हैं। हाँ, बस उस टाइम एक कैलेंडर बना था और उस कैलेंडर से माध्यम से ऐसा हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस कैलेंडर से ही सही होता। अब बच्चा लड़का या लड़की एक तो होना ही है, और जब एक बच्चा लड़का लड़की कुछ तो होगा तो कोई तुक्का भी लग सकता है। अभी संभावना से मैं भी कह सकता हूँ कि आपके पेट में लड़का है, और भगवान ना चाहे लड़का ही हो जाए, तो आप कहोगे सर की बात सच होगी। और तो ये चीज़ कभी सच हो जाती है, कभी झूठ हो जाती है। ऐसे कैलेंडर से आज के टाइम पे ये जो पता कर सकते हो आप, जो तो फन लेते हैं और एक फनी कह सकते हैं, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। कि जो रियल प्रूफ होता है वो साइंटिफिक प्रूफ भी होता है।